जैसे कि आप लोगों को पता है इंडियन आइडल सीजन 13 में इस बार टॉप 14 नहीं बल्कि टॉप 15 कंटेस्टेंट चुने गए हैं, लेकिन रितु रिवा इनको टॉप 15 में जगह नहीं मिल पाया। लेकिन उसी को लेकर रितु रिवा ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट डाला और उसमें जो लिखा आपको देखकर सुनकर बहुत ही हैरान करने वाली है ये बात, तो बने रहे वीडियो में एंड तक। चलिए मैं आपको टॉप 15 में वो कौन कौन है जो अपना जगह बना चुके हैं उनका नाम मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। सबसे पहला नाम शिवम और दूसरे नंबर पर हैं ऋषि और तीसरे नंबर पर देवोस्मिता और चौथे नंबर पर नापदीप और पांचवे नंबर पर हैं संजुति और उसी के साथ साथ सोनाक्षी, चिराग, भिनीत, विदिता और काव्या। उसके बाद शगुन, अनुष्का, संचारी और रूपम और सबसे लास्ट में जो चुना गया है उसका नाम है प्रीतम। ये थे टॉप 15 में जो चुने गए हैं इंडियन आइडल सीजन 13। हालांकि टॉप 14 चुने जाते हैं लेकिन इस बार टॉप 15 चुने गए हैं। चलिए मैं आप लोगों को बताता हूं रितु रिवा वो क्या ऐसा पोस्ट डाले थे जो आपको सुनकर बहुत ही पसंद आएगा। आज 1 बजे उन्होंने एक पोस्ट डाला और उस पोस्ट में ये लिखा, देवियों और सज्जनों, मैं आप सभी को कभी ना खत्म होने वाला समर्थन के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ, तो कृपया मुझे अगले दौर में नहीं पहुँचाने के बारे में दुख ना होए। जहाँ तक मेरी बात है तो अपना पारंपरिक परिधान में राष्ट्रीय टेलीविजन पर आपने प्यारे राज्य अरुणाचल प्रदेश का प्रतिनिधित्व कराने का अवसर है, मेरा सबसे बड़े उपलब्धियों में से एक रहेगा। जीवन में बाधाएं असफलताएं हमेशा अपेक्षित होती है, लेकिन मैं इसे और अधिक सकारात्मक रूप से लेने और ऐसे ही इससे सीखने के लिए आगे बढ़ने का फैसला किया है। इस इंडियन आइडल ने कई आवाजों के लिए एक मंच दिया है और कलाकारों को जीने के लिए इतने बड़े दर्शकों के लिए गाना गाना केवल एक दूर का संपर्क था, इसलिए हमें शो और उनके जजमेंट पर भरोसा करना होगा। मैं ये भी मानता हूँ कि हमसे प्रतीक के लिए एक रास्ता चुना है और किसी दिन हम निश्चित रूप से अपना रास्ता खोज लेंगे। टीवी पर दुनिया के साथ अपना संगीत सजा कराना मेरे लिए सम्मान की बात है और मैं इसके हर पल को संजो कर रखूंगा। लव यू फॉर रितु। वाकई रितु रिवा तुमने बहुत ही अच्छा पोस्ट डाला है। कोशिश से पहले हार नहीं, कभी ना कभी हमारा रास्ता खुल ही जाता है और हम उस रास्ते को ढूंढ भी लेते हैं, लेकिन कोशिश जारी रखना होगा। सो दोस्तों, ये था कुछ ऐसा अपडेट जो मैंने आपको दे दिया। इस अपडेट के बारे में आपका क्या राय है और आपको ये अपडेट सुनकर जानकर कैसा लगा वो प्लीज कमेंट करके बताएं और ऐसे ही वीडियो देखते रहने के लिए अभी ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।